सब्सक्राइब कीजिए लर्न ट्रिपल ई चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकॉन को ताकि आप देख सकें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, लर्न ट्रिपल ई यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जगदीश जोशी। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पीएलसी के बारे में। पीएलसी की फुल फॉर्म होती है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल, यानी कि हम किसी भी लॉजिक को प्रोग्राम के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने एक डेल्टा की पीएलसी आपको दिखा रखी है। ठीक है, तो जो पीएलसी होती है हमारी, ये कई कंपनीज़ की होती हैं, जैसे कि सीमेंस, मिसुबिशी और डेल्टा। तो वैसे नॉर्मली जो इंडिया में यूज़ होती हैं वो डेल्टा, मिसुबिशी और सीमेंस की ज़्यादातर यूज होती हैं। वैसे और भी कई कंपनीज़ हैं मार्केट में, बट ये तीन कंपनीज जो है इनकी पीएलसी बहुत ज़्यादा यूज होती है। देखिए, आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप कल को इंडस्ट्री में जाते हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं कहीं, तो आपको पता होगा कि पीएलसी कितना इम्पोर्टेंट है। और अगर आप जॉब नहीं भी करते हैं, अगर आप कॉलेज में हैं, तो ये समझ लीजिए कि पीएलसी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो आपको पता होना चाहिए पीएलसी के बारे में। मैं थोड़ा बहुत कोशिश करूँगा आपको इस वीडियो में पीएलसी के बारे में बताने की, तो आपको पता लग जाएगा इस वीडियो को पूरा देखने के बाद। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना कर दें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये कि पीएलसी मैंने आपको दिखा रखी है, ये पीएलसी है। पीएलसी मीन्स, जैसे कि मैंने आपको फुल फॉर्म इसकी बता ही दी, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल, यानी कि हम किसी भी लॉजिक को प्रोग्राम के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, ये कई कंपनीज़ की आती हैं। तो इनका जो मॉड्यूल होता है, यानी कि ये इनपुट मॉड्यूल है या आउटपुट मॉड्यूल है, ये जो अलग अलग कंपनीज़ हैं, अलग अलग कंपनीज़ के अलग अलग हो सकते हैं। देखिए, ये तो सेम रहेगा हमारा, इनपुट मॉड्यूल आउटपुट मॉड्यूल तो सेम रहेगा, लेकिन जो इनके नंबरिंग होती है, यानी कि जो हम कॉमन पॉइंट देते हैं, यानी कि किसी पीएलसी में एक ही कॉमन होता है, यानी कि स्टार्टिंग में यहाँ पे एक ही कॉमन होगा, किसी में दो होते हैं, किसी में हर एट पॉइंट के बाद, यानी कि यहाँ पे है ना, एक दो तीन, ये पॉइंट है, इन एट, यानी कि एट पॉइंट के बाद एक कॉमन होगा। ठीक है, किसी किसी में एक ही होता है, किसी किसी में दो कॉमन होते हैं, यानी कि या फिर दो हमको स्टार्टिंग में ही मिल जाएंगे, या फिर दो हमें लास्ट में मिलेंगे, या फिर एक लास्ट में मिलेगा, स्टार्टिंग में मिलेगा, एक लास्ट में मिलेगा। वैसे तो जो स्टार्टिंग के दो कनेक्टर होते हैं, ये हमारे एसी सप्लाई के होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें पीएलसी की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक ये आरएलसी सर्किट है, यानी कि किसी भी मशीन का जो अगर आप एक पैनल देखेंगे, यानी कि कोई भी मशीन जो होती है हमारी, वो इलेक्ट्रिकल से ही वर्क करती है ना, इलेक्ट्रिकल से ही चलती है। तो हर मशीन का एक पैनल होता है, तो उस पैनल को जो डिज़ाइन किया जाता है, यानी कि उस पैनल में जितने भी हम कॉन्टैक्टर्स रखते हैं, हम MCBs रखते हैं, हम जो अदर इक्विपमेंट होते हैं हमारे, यानी कि जो कंट्रोलिंग जितनी भी होती है हमारी उस मशीन की, वो हम एक इलेक्ट्रिकल पैनल के अंदर उसको डिज़ाइन करते हैं। तो अब ये देखिए, आपको जो ये पैनल है, अगर आपको बोला जाए कि इस पैनल के अंदर कोई भी, मान लीजिए कोई भी फॉल्ट हो गया, तो आप अगर इस टाइप के पैनल में अगर आप फॉल्ट ढूंढेंगे, तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। ठीक है, उस फॉल्ट को ढूंढने में, क्योंकि देखिए यहाँ पर कितनी सारी वायर्स बिखरी पड़ी है, मतलब यहाँ से वायर इतनी सारी यहाँ जा रही है, यहाँ से इतनी सारी वायर्स यहाँ आ रही हैं, यहाँ से भी इतनी सारी वायर्स यहाँ इधर उधर आ रही है। तो अगर आपको कोई फॉल्ट ढूंढने के लिए दिया जाए, तो आप मतलब कि काफ़ी टाइम लग जाता है इस आरएलसी सर्किट में फॉल्ट को ट्रेस करने में। तो उससे हमारी जो मशीन का जो ब्रेकडाउन, जितने ज़्यादा टाइम का ब्रेकडाउन होगा, उतने ही ज़्यादा लॉसेस होते हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाती है ना। तो आरएलसी सर्किट में मतलब कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर्किट बन जाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एक स्टार डेल्टा का कंट्रोल वायरिंग दिखाई थी, अगर वो कंट्रोल वायरिंग आप बाहर बाहर से वायर डाल करके करेंगे, तो देखिए वायर फैलेंगी, तो है ना, वायर फैलेंगी और बहुत ज़्यादा वायर्स हो जाएंगी। और अगर आप उन सारी वायर्स का एक प्रोग्राम बना करके अगर पीएलसी के अंदर डाल दें, और आपको वायर बाहर निकालनी ही ना पड़े, दो चार वायर निकालनी पड़े, तो सोचिए आपको अगर कोई फॉल्ट भी हो जाता है, तो कितना आसान होगा आपके लिए उस फॉल्ट को ढूंढना। ठीक है, तो यही एक प्रॉफिट है, यही एक मतलब कि जो हमारा टाइम है, टाइम बच जाता है, और जो हमारी जो कॉस्ट है, वो कॉस्ट भी हमारी बच जाती है पीएलसी यूज़ करने से। ओके, तो सबसे पहले हम जो पीएलसी है हमारी, पीएलसी का ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं। देखिए, पीएलसी के कुल चार ही मतलब पॉइंट होते हैं, जो मेन पॉइंट होते हैं इसके। नंबर वन होता है हमारा इनपुट मॉड्यूल,
नंबर टू होता है हमारा आउटपुट मॉड्यूल, ठीक है। इनपुट मॉड्यूल मीन्स जो हम सिग्नल देते हैं, यानी कि जो हमारा मैंने आपको स्टार्टिंग में एक पीएलसी दिखाई थी डेल्टा की, जो ये वाला पॉइंट है इसका, देखिए जो इसका ये वाला पॉइंट है, ये वाला ये इनपुट मॉड्यूल है, ठीक है। अगर आप किसी भी कंपनी की पीएलसी ले लें, उसमें सेम अगर आप उसको सीधा, जैसे कि आपको ये पीएलसी दिख रही है वैसे अगर आप उसको सीधा देखेंगे, तो उसका ऊपर वाला जो पॉइंट होगा ये इनपुट मॉड्यूल होगा, और जो ये नीचे वाला पॉइंट होगा इधर वाला, ये होगा आउटपुट मॉड्यूल, ओके। तो सेम यहाँ पर मैंने एक ब्लॉक डायग्राम में दिखा रखा है आपको, ये मेरा इनपुट मॉड्यूल है और ये हमारा आउटपुट मॉड्यूल है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, बीच में इसके अंदर, यानी कि पीएलसी के अंदर एक सीपीयू होता है, और सीपीयू के नीचे एक मेमोरी होती है, ठीक है। यानी कि सीपीयू, अब देखिए हमने इसको इनपुट दिया, यानी कि हमने पीएलसी को कोई भी इनपुट सिग्नल दिया, ठीक है, हमने इनपुट सिग्नल दिया, तो सीपीयू क्या काम करेगा, मेमोरी से प्रोग्राम को रीड करेगा। रीड करने के बाद जौन सा भी आउटपुट उसको देना होगा, वहाँ से सीधा आउटपुट मॉड्यूल को वो आउटपुट दे देगा, ठीक है। वहाँ से हमको सिग्नल मिल जाएगा, और हमको जो भी कॉन्टैक्टर होल्ड करवाना है या फिर हमको कुछ भी करवाना है उससे, उस आउटपुट सिग्नल से हमने जो भी प्रोग्राम डाल रखा है, तो प्रोग्राम के थ्रू वो हमारा लोड जो है वो वर्क करने लगेगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने एक डेल्टा की आपको पीएलसी दिखा रखी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये हमारा जो होता है वो इनपुट मॉड्यूल होता है, ये हमारा आउटपुट मॉड्यूल होता है। अब यहाँ पे बीच में आपको ये एक सर्कल टाइप का दिख रहा होगा, यहाँ पे एक कनेक्टर्स हमको कनेक्टर कनेक्ट करते हैं, हम यहाँ पे कनेक्टर कनेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे लैपटॉप से प्रोग्राम डालते हैं इसमें, और यहाँ पे ये स्टॉप और रन लिखा हुआ है बीच में यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे स्टॉप लिखा हुआ है और यहाँ पे रन लिखा हुआ है। तो होता क्या है कि यहाँ पे जो ये बीच की जहाँ पे नोब टाइप की है, इस नोब को अगर हम स्टॉप की तरफ करेंगे, तो स्टॉप की तरफ करके हम इसमें प्रोग्राम डालते हैं, ठीक है। प्रोग्राम डालने के बाद इस नोब को अगर हम इस तरफ कर देते हैं, रन की तरफ कर देते हैं, तो रन की तरफ करने से प्रोग्राम, इस पीएलसी में प्रोग्राम डालने के बाद हम इसको रन की तरफ कर देते हैं, और उसके बाद नॉर्मली हमारी जो पीएलसी है वो काम करने लग जाती है। अब यहाँ पे आपको एक नंबरिंग दिख रही होंगी, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, है ना। तो ये इनपुट मॉड्यूल, यानी कि जो इनपुट मॉड्यूल है, इनपुट मॉड्यूल का यहाँ पे इसकी नंबरिंग है, ठीक है। यानी कि जोन से भी नंबर की हमको, मान लीजिए हमने यहाँ पे इस वाले पॉइंट को हमने कोई भी सिग्नल दिया, अब ये सिग्नल हमारे लिमिट स्विच से हो सकते हैं, या फिर हमारे पुश बटन NONC से हो सकते हैं, हमारे इमरजेंसी स्विच से हो सकते हैं, और हमारे सेंसर्स से हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमको जो से, मतलब कि जोन से भी नंबर के कनेक्टर पे इनपुट सिग्नल आएगा, तो यहाँ पे पीएलसी ये हमारी इंडिकेट कर देगी हमको कि इस नंबर के कनेक्टर पे हमारा इनपुट सिग्नल आया है। सेम वैसे ही इनपुट मिलने के बाद जिस नंबर से भी इसको आउटपुट देना होगा, यानी कि जिस नंबर से भी हमने इसको प्रोग्राम डाल रखा होगा, प्रोग्राम के हिसाब से ये यहाँ पे उसी नंबर के आगे इंडिकेट करने लग जाएगा, यानी कि इस नंबर से इसको आउटपुट मिल गया है, ओके। और अब बात करें इसके कनेक्टर्स की, तो कनेक्टर्स में होता क्या है कि स्टार्टिंग के जो दो टर्मिनल होते हैं, देखिए स्टार्टिंग के जो दो टर्मिनल होंगे ये 220 वोल्ट AC के होते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा भी है, देखिए न्यूट्रल और L और N, यानी कि न्यूट्रल और लाइन, ठीक है। यहाँ पे हम इसको 220 वोल्ट AC देते हैं और 24 वोल्ट DC देते हैं, ओके। यानी कि एक तो हमने AC दिया और दूसरा हम इसको DC देते हैं। तो DC हम पावर सप्लाई से दे सकते हैं, या फिर अगर अदर कोई से भी हम AC को DC में कन्वर्ट करके हम इसको 24 वोल्ट PLC को DC दे सकते हैं। अब 220 वोल्ट जो AC देते हैं हम, वो PLC को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, वो हम स्टार्ट करने के लिए चाहिए होता है। और जो 24 वोल्ट जो हम DC इसको देते हैं, वो हम आगे बताएंगे कि हम जो DC सप्लाई देते हैं वो क्यों देते हैं, ठीक है। अब इसके कनेक्टर्स जो है, इनपुट मॉड्यूल और आउटपुट मॉड्यूल का, इसमें हर एट पॉइंट के बाद एक कॉमन पॉइंट होता है। अब वो ज़रूरी नहीं है कि हर PLC में 8 पॉइंट के बाद ही हो, किसी किसी में सिर्फ एक ही कॉमन होता है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ एक ही कॉमन होगा और बाकी के जो होंगे वो, ठीक है, वो कॉमन नहीं होंगे, ओके। और किसी किसी में दो कॉमन होते हैं, किसी किसी में हर 8 पॉइंट के बाद एक कॉमन होता है। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कॉमन, तो ये क्या है, देखिए होता क्या है कि जो आउटपुट मॉड्यूल है, ठीक है, यहाँ पे आउटपुट मॉड्यूल है और ये इनपुट मॉड्यूल है, तो इसमें क्या होता है, इसमें हम इनपुट और आउटपुट मॉड्यूल में जो कॉमन जो टर्मिनल है हमारा, वहाँ पे अगर हमने मान लीजिए माइनस
दिया है, यानी कि यहाँ पे हमने मान लीजिए कॉमन को माइनस दे दिया तो बाकी सारे टर्मिनल्स को हम पॉजिटिव सप्लाई देंगे, और अगर हमने कॉमन को पॉजिटिव सप्लाई दे दिया तो हम इसके बाकी सारे टर्मिनल्स को नेगेटिव सप्लाई देंगे। सेम हमारा आउटपुट मॉड्यूल में भी सेम यही होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि जो इसका आउटपुट मॉड्यूल है, देखिए यहाँ पे जो इसका आउटपुट मॉड्यूल है, इसके आउटपुट मॉड्यूल का जो जो ये सप्लाई जाती है वो हमारी सीधा रिले बोर्ड में जाती है। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे जो इसकी जो ये कनेक्टर से जो ये रेड कलर की जो वायर नीचे जा रही है, ये हमारी इस रिले बोर्ड में आ रही है, ठीक है। अब ये रिले बोर्ड क्या है, ये एक बोर्ड टाइप का है, यानी कि पीसीबी बोर्ड है। इस पीसीबी बोर्ड के अंदर हमने कई सारी रिले लगा रखी है। अब मतलब कि जितने भी हमने पीएलसी से आउटपुट ले रखी हैं उतनी ही हमने रिले भी लगा रखी है। तो जो 24 वोल्ट डीसी में आपको बता रहा था वो इसी रिले के लिए है। जो ये रिले है 24 वोल्ट डीसी के लिए डिज़ाइन की जाती है, और जो इसकी कॉइल होती है वो 24 वोल्ट डीसी पे काम करती है। तो हम इसकी कॉइल को 24 वोल्ट डीसी दे करके हम इस रिले से स्विचिंग कर सकते हैं। देखिए ये रिले किस तरीके से काम करता है, कॉन्टैक्टर क्या होता है, और एनओएनसी स्विच क्या होते हैं, और एमरजेंसी स्विच क्या होता है, NONC क्या होता है, और लिमिट स्विच क्या होते हैं, सेंसर क्या होते हैं, इन सब के बारे में आपको पहले से ही पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो आप हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, वहाँ पे मैंने सारी वीडियोस अपलोड कर रखी है, ठीक है। देखिए तो मैं PLC प्रोग्रामिंग जो होती है, जो इसकी लैडर प्रोग्रामिंग होती है, वो प्रोग्रामिंग आपको बताने से पहले मैं इन सभी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना चाहता हूँ, ताकि आगे मैं अगर प्रोग्रामिंग के ऊपर अगर वीडियो बनाऊँगा तो आप में मतलब कि आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे, है ना। आपको सारे टॉपिक आपके क्लियर होने चाहिए, तो इसलिए जो प्रोग्रामिंग है पीएलसी प्रोग्रामिंग, उसमें मैं थोड़ा सा लेट कर रहा हूँ, जानबूझ करके मैं लेट कर रहा हूँ, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। तो ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो ठीक है, तो आप इसे पूरा ज़रूर देखिए। पूरा देखने के बाद आपको आई होप कि आपको थोड़ा बहुत तो PLC के बारे में पता लग जाएगा, इसका बेसिक तो आपको पता लग ही जाएगा कि PLC हम क्यों यूज़ करते हैं और इसका जो वर्क है, नॉर्मली जो वर्क है वो क्या है, ठीक है। तो इसका जो आउटपुट मॉड्यूल है हमारा, इसमें रिले बोर्ड में आता है। रिले बोर्ड से हम इसकी कॉइल को 24 वोल्ट PLC के थ्रू सप्लाई देने के बाद हम इसके जो स्विचिंग कर इसके NONC से NONC और कॉमन जो टर्मिनल होते हैं इसको इसके इससे स्विचिंग कर लेते हैं। स्विचिंग करने के बाद हम अपने किसी भी लोड को, यानी कि अगर हमें कोई कॉन्टैक्टर होल्ड करवाना है तो कॉन्टैक्टर को होल्ड करवा लेते हैं, ठीक है। और अगर हमको किसी अदर लोड पर अगर सप्लाई देनी है तो हम वहाँ उसको सप्लाई ऑन और ऑफ़ कर लेते हैं। तो जो ऑन ऑफ़ करने का जो सिस्टम है वो सारा PLC प्रोग्रामिंग के थ्रू होता है। हम इसको प्रोग्राम डाल देते हैं और प्रोग्राम से ही प्रोग्राम ही हमारा जो PLC है, PLC रीड कर लेता है प्रोग्राम को, और उस हिसाब से वो PLC ही फिर डिसाइड करता है कि हमको किस टाइम पे कौन सा कॉन्टैक्टर को होल्ड करवाना है और कौन से को ऑफ करवाना है, ठीक है। हम इसको सिर्फ एक सिग्नल देते हैं, चाहे वो पुश बटन के थ्रू दें, चाहे हम लिमिट स्विच के थ्रू दें, चाहे हम सेंसर्स के थ्रू दें, तो वो उस हिसाब से PLC फिर ऑटोमेटिक वर्क करता है, ओके। अब ये देखिए यहाँ पे एक PLC लगी हुई है, ठीक है, ये PLC है, और उसके बाद ये PLC का जो आउटपुट है, देखिए आउटपुट जो आ रहा है ये सीधा है ये रिले बोर्ड में आ रहा है, और रिले बोर्ड का जो आउटपुट है वो हमारा किसी कॉन्टैक्टर में जा रहा है। यहाँ पे एक ड्राइव लगी हुई है, ये MCB लगी हुई है। तो देखिए जो ये PLC लगने के बाद ये पैनल, देखिए पैनल कितना साफ़ सुथरा दिख रहा है। अगर आपको इस पैनल के अंदर अगर आपको फॉल्ट ढूंढना हो तो आप बड़ी ही आसानी से फॉल्ट ढूंढ लेंगे, है ना। और अगर आप RLC सर्किट को देखेंगे, अगर आप RLC पैनल को देखेंगे और इस पैनल में आपको बोला जाए कि फॉल्ट ढूंढो, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसमें फॉल्ट ढूंढने में। तो उसमें मनी की भी वेस्टेज है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज़्यादा है, और PLC में क्या होगा, सिर्फ आपको एक PLC लगानी पड़ेगी, और PLC लगाने के बाद आप जो सारा का सारा जो सर्किट है उसको उसकी जो प्रोग्रामिंग है आप PLC के अंदर डाल दो और PLC फिर ऑटोमेटिक वर्क करेगी, ठीक है। आप इसको बस सिग्नल दो और ये आउटपुट में आपको जो सा भी आउटपुट अगर आप प्रोग्राम के हिसाब से इसमें डालोगे तो उस प्रोग्राम के हिसाब से ये आउटपुट आपका ऑन और ऑफ करेगा, ओके। तो आई होप गाइस कि आपको पता लग गया होगा PLC के बारे में, PLC किस तरीके से काम करता है, इसका जो वर्क है वो वर्क किस तरीके से होता है। PLC प्रोग्रामिंग के लिए मैं बहुत जल्द इसकी एक सीरीज बनाऊंगा, और उस सीरीज़ में आपको मैं बिल्कुल बेसिक से PLC के बारे में बताऊंगा, और उसकी जो प्रोग्रामिंग है प्रोग्रामिंग के बारे में बताऊंगा।
लगभग लगभग ये मान के चलिए 8-10 वीडियोस बनेंगी, और 8-10 वीडियोस थोड़ी लेंथी होंगी लेकिन 8-10 वीडियोस बनेंगी, और उन 8-10 वीडियोस में आप बिल्कुल PLC एक्सपर्ट बन जाएंगे। अगर आप बिल्कुल अच्छे से अगर आप देखेंगे उन वीडियोस को तो आप बिल्कुल एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो उसमें थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, उससे पहले मैं चाहता हूँ कि इससे रिलेटेड जितने भी जो इसके इनपुट सिग्नल आउटपुट सिग्नल जितने भी होते हैं मैं सारी वीडियोस आपके लिए सारी बना दूँ, और उसके बाद मैं PLC प्रोग्रामिंग स्टार्ट करूँ। क्योंकि अगर आपके पहले से ही यानी कि PLC को हम किन किन से सिग्नल देते हैं उससे अगर आपके पहले ही सारे डाउट अगर आपके क्लियर हो जाएंगे, यानी कि जो भी मैं अगर आपको प्रोग्रामिंग में जो भी चीज़ बोलूं तो सारी बातें आपने पहले से ही सुनी हुई होनी चाहिए और उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, कोई भी चीज़ आपके लिए नई नहीं होनी चाहिए, है ना। तो उससे पहले मैं सारी वीडियोस अपलोड करने के बाद सब चीज़ के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, और उसके बाद फिर हम PLC प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम यानी कि लैडर प्रोग्रामिंग जो है वो हम फिर बाद में स्टार्ट करेंगे, ओके। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना कर दें, और जो प्रोग्रामिंग की वीडियोस हैं वो तो खास कर आप ज़रूर देखिएगा, ओके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई या अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हुई तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके लाइक्स और कमेंट्स से ही हम लोग भी मोटिवेट होते हैं आपके लिए और भी ज़्यादा वीडियोज़ बनाने के लिए, ओके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्द मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।